नमस्कार, मैं माया। 7i न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अब बात चाणक्य की जीवनी पर। आचार्य चाणक्य, जो कि विष्णु गुप्त व कौटिल्य के नाम से भी विख्यात हैं, एक महान विद्वान थे जिनकी नीतियों पर चलकर कई साम्राज्य स्थापित हुए। आइए आज हम उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत एक प्राचीन गौरवमय देश है जिसे सदियों तक विश्व गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त है। सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है। ज्ञान का सूर्य भी पूर्व से ही उदय हुआ था। अंसर बार्कर का ये आरोप सही नहीं है कि भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मरुभूमि है और प्राचीन भारत ने विश्व को केवल आध्यात्म दर्शन दिया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज ने इस मत का पूर्णता खंडन कर दिया। इसने ये सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन भारत केवल अध्यात्म में नहीं अपितु समाज दर्शन में भी किसी प्रकार से पीछे नहीं था। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में चाणक्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। वस्तुतः कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय रचनाओं में राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के इतने अधिक महत्व के चार कारण है। पहला, कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक और एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था और उसने ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा है जिनका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यवहारिक जीवन में वस्तुतः सामना करना पड़ता है। दूसरा, प्राचीन भारत में सामान्यतः ये परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसे धर्म का एक अंग मानकर की जाती थी, लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा है। तीसरा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषयक सभी ग्रंथों और विचारों का संग्रह तथा सार है। चौथा, कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यावहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को सुदृढ़ जैसा कि उसके पूर्व कभी भारतीयों ने नहीं जाना था। भारत में कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक बुद्धिमता तथा शासन कला से सिद्धांत अस्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरे हुए थे। कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्रित कर शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया है। इस दृष्टि से कौटिल्य को शासन कला तथा कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। भारत के महानतम कूटनीतिक चाणक्य के जीवन के संबंध में प्रमाणिक सामग्री का बड़ा शोचनीय अभाव है। उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के समान ही उसके नाम भी अनेक रहे हैं, जिनमें तीन अधिक प्रसिद्ध हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उसे कौटिल्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उसके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उसे चाणक्य भी कहते हैं। वर्तमान जगत में उसे विगत जगत में कौटिल्य और सामान्य जगत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। हिंदी के कवि तुलसीदास और सूरदास की तरह इनके जन्म स्थान के संबंध में बड़ा मतभेद है। बौद्ध ग्रंथ उनकी जन्मभूमि तक्षशिला मानते हैं, तो जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी जन्मभूमि मैसूर राज्य का श्रवणबेई गोल प्रदेश है। इसके अलावा कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान नेपाल का तराई क्षेत्र मानते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था। इनका अंतिम शासक महापद नंद था। एक कथा इस प्रकार है कि इसके प्रधानमंत्री शक्तार इससे नाराज थे। राजा ने एक दिन कुछ ब्राह्मण निमंत्रित करने का कार्य शक्तार को सौंपा। शक्तार ने एक दिन इस काले शिखाधारी चाणक्य को पैरों में चुभ जाने पर कांस नामक घास को मठा डालकर समूल नष्ट करते देखा था। अतः वह कौटिल्य को निमंत्रण दे आया और उसे सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर महापदनंद ने उसे अपमानित किया, तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा खोलकर प्रण किया था कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर लूंगा, शिखा नहीं बांधूंगा।
चाणक्य एक सच्चा ब्राह्मण था। वो तत्कालीन समय के परंपराओं के अनुसार उसका अहम अध्यापन कार्य था। शास्त्र तथा शस्त्र के ज्ञाता एवं शिक्षक के रूप में उसे अत्यधिक ख्याति प्राप्त थी और उसके समय में कदाचित ही कोई ऐसा शासक या मंत्री रहा हो जो इस महानतम आचार्य का शिष्य न रहा हो अथवा उसके व्यक्तित्व और नीति से प्रभावित न हुआ हो। एक आदर्श अध्यापक के नाते वह स्वयं को व्यवहारिक राजनीति से अलग रखना चाहता था, किंतु अनिच्छा होते हुए भी परिस्थितियों के दबाव से वह भारत की संपूर्ण राजनीति का केंद्र बन गया। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।